में बैठी यूपी की योगी सरकार का ऐलान है कि उनके राज्य में यूपी से माफिया राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यूपी अपराध मुक्त हो गया है, जिसकी पोल खोली है हमीरपुर जिले के भेड़ी डांडा निवासियों ने, जिन्होंने अवैध बालू खनन के मामले पर खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने को लेकर उप जिलाधिकारी खालिद अंजुम को पत्र लिखा। पत्र लिखकर उन्होंने अवगत कराया कि जालौन जिले के पट्टेदार जबरन दबंगई से हमीरपुर जिले की नदी सीमा में घुसकर अवैध बालू खनन कर रहे हैं और मना करने पर गाली गलौज तथा मारपीट पर आमादा है। साथ ही वे खेतों में लगी बारी भी उजाड़ रहे हैं, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। अपने पत्र में उन्होंने जिलाधिकारी को लिखा कि पट्टेदार द्वारा जालौन की खादान को छोड़कर हमीरपुर सीमा पर आकर अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है एवं जमीन खाली करवाए जाने पर गाली गलौज व मारपीट करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण के खेतों की फसल को भी बर्बाद किया गया है। जो प्रार्थीगण जोत वो बो रहे थे, उसी से हम लोगों की जीविका चल रही है। माफियाओं ने दबंगी के बल पर हमारी सभी बारी उजाड़ दी है, अतः आपसे निवेदन है कि हम सभी लोगों की भूमि पर हो रहे अवैध खनन रोके जाने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी। जिसके चलते इस मामले पर उप जिलाधिकारी सरिला ने तहसीलदार व लेखपाल द्वारा जांच किए जाने का आदेश दिया है, समस्या का समाधान होने का भी आश्वासन दिया है। पर योगी सरकार के अनुसार अगर उनके राज में यूपी से माफिया राज पूरी तरह से खत्म हो गया है तो हाल ही में सामने आए ये बालू खनन करने वाले क्या खनन माफिया नहीं कहलाएंगे? क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो कहाँ है योगी का अपराध मुक्त यूपी? क्या नाम है आपका बता? जी साहब, हमारा नाम राम शरण निषाद जी। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारी बारियों का खनन किया जा रहा है जी। कौन कर रहा है? ये पतरेठा खंड एक के वो ठेकेदार कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो अलग जिले से है या इसी जिले से है? नहीं, ये अलग जिले से, जालौन जिले से है। हम लोग हमीरपुर जिले में बारी रखे हैं।